Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sonia Jain, your math teacher. Now let's do question number 2 of exercise 1.3. And the question is, give a rough estimate by rounding off to nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest 10. मतलब आपको ये numbers जो दिए हुए हैं, पहले इसको round off करना nearest 100. तो उससे क्या होगा बेटा जी, आपका जो estimation निकलेगा, एक rough idea निकलेगा. But जब आप एस्टिमेशन करोगे नियरेस्ट 10 जब करोगे राउंड ऑफ, तो और क्लोजर एस्टिमेशन निकलेगा. ठीक है, मतलब जो रिजल्ट होगा, जो एक्चुअल रिजल्ट होगा, उसके हम और करीब पहुंचेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले हम समझते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं. ठीक है, देखो, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए, लेट्स से 10, 100 या 1000 के मुझे राउंड ऑफ करना हो, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है 10 में कितनी जीरो होती है 1, 100 में कितनी जीरो 2, 1000 में कितनी जीरो 3. तो जब भी हमें इनके राउंड ऑफ करना होगा, तो एटलीस्ट हमें इतनी जीरोस चाहिए ही चाहिए. मतलब अगर 1000 के राउंड ऑफ करना है तो मुझे 3 जीरोस लास्ट में चाहिए, 100 के राउंड ऑफ करना है तो 2 जीरो लास्ट में चाहिए, और 10 के करना है तो 1 जीरो. ठीक है, अब जैसे राउंड ऑफ करना हो, जैसे 439 को ही करना है, ठीक है, तो 10 के राउंड ऑफ करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ता है, कैसे राउंड ऑफ करेंगे. 10 का हाफ क्या होता है 5, फिर 100 का राउंड ऑफ, सॉरी 100 का हाफ होता है 50, और 1000 का 500, ये होता है आधा आधा जब उन्हें हमने किया. ठीक है, हाफ कर करके. ठीक, अब हम क्या देखते हैं, सपोज मुझे 10 के राउंड ऑफ करना है, तो मैं देखूंगी लास्ट की डिजिट 5 से, ये वाला 5 से ज्यादा है या कम है. अगर ये 5 से ज्यादा होती है, तो ये वाली डिजिट मेरी नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी. ठीक है, 3 है तो 4 हो जाएगी. अगर ये 5 से कम होती है, ठीक है, अगर ये 5 से कम होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 तक होती है, तो मेरा ये डिजिट यही रहेगी. क्लियर. अगर आप बात करें 100 के राउंड ऑफ की, तो 100 में कितनी जीरो चाहिए, 2 जीरो चाहिए. तो यानी कि मुझे लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं. ठीक है, पहली बात. अब मुझे क्या देखना होगा, 50, 100 का हाफ 50 से ये 2 डिजिट ज्यादा है या कम है. अगर तो ये ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो ये वाली डिजिट, जो 2 डिजिट से पहले जो डिजिट होगी, वो नेक्स्ट हो जाएगी अगर 50 से ज्यादा होगी. और अगर 50 से कम होगी, तो ये डिजिट 4 ही रहेगी, मतलब ये यही रहेगी. लेट्स सपोज 439 को मुझे 100 के राउंड ऑफ करना है, तो या तो ये 400 बनेगा या ये 500 बनेगा. अब ये 400 बनेगा या 500 बनेगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम देखेंगे. 100 का हाफ होता है 50, राइट, तो अगर ये 50 से कम है, तो यानी कि ये 400 रहेगा. और अगर ये 50 या 50 से ज्यादा होगा, तो ये 500 बनेगा. क्लियर है. इसी तरीके से लेट्स से कि मुझे इसको 1000 के राउंड ऑफ करना है, 1000 के राउंड ऑफ करना है, अगेन 3 जीरोस हैं, यानी कि 3 डिजिट्स देखनी है, 3 डिजिट्स देखनी है. उसके बाद मुझे क्या देखना है कि 500 से ज्यादा है या कम है. 500 से कम है तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ही हो जाएगा. और अगर ये 500 से ज्यादा होता, लेट्स सपोज ये नंबर होता, तो ये क्या हो जाता, ये मेरा बन जाता 2000, राइट, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, 500 से ज्यादा है. आप इसको एक ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 500 है, अगर आपको 1000 का हाफ करना है, मतलब कभी प्रॉब्लम आ भी जाए, तो 1000 में कितनी जीरो, 3 जीरो, यानी कि लास्ट के मुझे कितनी डिजिट देखनी है, 3 डिजिट देखनी है, 3 डिजिट देखनी है. पहली बात, अब ये वाली डिजिट चेंज होगी या नहीं होगी, ये कौन सी डिजिट डिसाइड करेगी, ये वाली. अगर तो ये 5 से कम है, तो ये यही रहेगी, और अगर ये 5 से ज्यादा होगी या 5 होगी, तो ये नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी. क्लियर है. अब हम क्वेश्चन करते हैं. सो सबसे पहले हमारा है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100. ठीक है, राउंड ऑफ 439 को कर लेते हैं, 439 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100. ठीक है, 439 को जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 के, तो ये क्या हो जाएगा, देखो, 2 जीरोस, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट, राइट, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है. फिर उसके बाद 100 का हाफ 50,
50 से ज्यादा या कम है? 50 से कम है, तो यानी कि मेरा ये 400 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 50 से ज्यादा होता तो 500 हो जाता। नेक्स्ट 334, इसको 100 के राउंड ऑफ दो डिजिट देखनी है, लास्ट की दो डिजिट 50 से कम है या ज्यादा? 50 से कम है, दैट मीन्स कि ये यही रहेंगी, यानी कि 300। अब आती है 4317 की बारी। अगेन 100 के राउंड ऑफ करना है, यानी कि दो डिजिट, दो डिजिट यानी कि ये लास्ट की दो डिजिट देखी, 50 से कम है या ज्यादा? 50 से कम है, यानी कि मेरा ये 33 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4300, समझ में आया। अब इनका हमें क्या करना है? सम निकालना है, तो हम इनका सम निकाल लेते हैं। 0033 6410 और ये हो गया 5000, क्लियर। नेक्स्ट है राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के। अगेन 439 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 10 यानी कि 10, लास्ट की डिजिट देखनी है, लास्ट की डिजिट देखनी है, ठीक है। पहली बार आप कैसे देखेंगे कि ये वाली डिजिट यही रहेगी या नेक्स्ट हो जाएगी? तो हम क्या देखेंगे? 10 का हाफ 5, 5 से ज्यादा या कम है? 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा यानी कि ये मेरी जो डिजिट है 3, ये अगली हो जाएगी यानी कि 4, तो मेरा हो गया 440। नेक्स्ट मेरा है 334 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब 334 अगेन वन डिजिट देखेंगे, वन डिजिट यानी कि 10 का हाफ 5, 5 से कम है या ज्यादा है? तो 5 से हमारा कम है, यानी कि मेरा ये 33 ही रहेगा, तो 330, राइट। उसके बाद 4317 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अगेन यहां तक तो मेरा यही रहेगा, ठीक है। अब ये जीरो बनानी है, ठीक है। अब ये डिजिट चेंज होगी या नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वाली डिजिट डिसाइड करेगी कि 10 का हाफ 5 होता है, तो 5 से कम है या ज्यादा? 5 से ऑब्वियसली ज्यादा है, तो यानी कि ये मेरा 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बाकी सब एज इट इज रहेगा, 4320। अब इनका सम कर लेते हैं, 0 437 29 437 310 5090। तो हमारा इसका एस्टीमेशन करके आ गया 5090, और अगर हम 100 के राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 5000। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट। अब बी पार्ट में है 1,08,734 माइनस 47,599। अगेन पहले इसको 100 के राउंड ऑफ करेंगे, फिर 10 के राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो 100 के राउंड ऑफ करना है, तो 100 के लिए दो जीरोज होती हैं, यानी कि मुझे लास्ट की दो डिजिट देखनी है पहली बार। उसके बाद मुझे 100 का हाफ यानी कि 50, ये 50 से ज़्यादा है या कम है? ये 50 से कम है, 50 से कम है, तो यानी कि मेरी ये वाली डिजिट यही रहेगी। तो मैं जब राउंड ऑफ करूंगी 100 के, तो मेरा ये हो जाएगा 700, राइट। अगेन 100 के इसे राउंड ऑफ करेंगे, ये मेरा 100 का हाफ 50, 50 से ज्यादा या कम है? 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, यानी कि ये जो डिजिट है मेरी नेक्स्ट वाली डिजिट आ जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगा, तो 47600, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10,800 700 and 47,600, 1,08,700 माइनस 6,87 10 में से 4 गया 6,61,100, ठीक है। तो हमारा आंसर आता है 61,100। अब अगर हम 10 के राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10, तो क्या होता है? अगर हम इसको नियरेस्ट 10 करते हैं, नियरेस्ट 10 यानी कि सिंगल जीरो होती है 10 में, यानी कि लास्ट में मुझे एक जीरो चाहिए, यानी कि अब मुझे सिंगल डिजिट देखनी है, सिंगल डिजिट देखनी है 10 का हाफ 5, 5 से ज्यादा या कम है? 5 से कम है, यानी कि अगर ये 5 से कम है तो मेरी ये डिजिट यही रहेगी, तो यानी कि ये मेरा हो जाएगा 1,08,730, राइट।
क्लियर है, क्योंकि ये 5 से कम है तो ये 30 बन जाएगा, अगर ये 5 से ज्यादा होता तो ये 40 हो जाता। अब इसके बाद अगेन 10 के राउंड ऑफ करना, तो 10 यानी कि अब ये एक डिजिट, ठीक है, एक डिजिट 5 से ज्यादा या कम, 5 से ज्यादा है। अब अगर क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये डिजिट हो जाएगी दूसरी, 9 के बाद क्या होता है 10 आता है यानी कि 0, लेकिन 9 के बाद 10 आता है तो 10 में हमारा 1 भी जब हम ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं ना वो 1 को, तो ये जो हो जाएगा मेरा 5 ये 6 बन जाएगा। समझ में आ रही है? या आप दूसरे अगर वर्ड्स में मैं बात करूं तो ये 59 जो है 60 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ें देखनी पड़ रही, क्योंकि ये 9 है, 9 में जब आप नेक्स्ट डिजिट करोगे तो 10 आ जाएगी, तो जो 10 का 0 तो आप लगा दोगे, लेकिन इस 1 का क्या हुआ, बाकी सब में तो आप 8 सिंगल डिजिट आता है लेकिन यहाँ पे ऐड करने पे 2 डिजिट आ रही है, तो ये हमारा हो गया 47600, ठीक है। अब इसे सबट्रैक्ट कर लेंगे, 108700 में से 47600 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 730 में से 600 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 4 गया 6, सो आंसर आया 61130। कमिंग टू द सी पार्ट, अब सी पार्ट में है 8325-491। अगेन सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 यानी कि 20 यानी कि 2 डिजिट्स देखनी है। अब 100 का हाफ कितना होता है, 50 होता है। अब ये डिजिट यही रहेगी या नेक्स्ट होगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये नंबर क्या है, 50 से ज्यादा या कम, 50 से कम है, 50 से कम है यानी कि ये मेरा हो जाएगा 8300। अगर ये 50 से ज्यादा होता या 50 होता तो ये मेरा बन जाता 8400। अब इसको करेंगे अगेन, दो डिजिट्स देखेंगे, 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है यानी कि ये मेरा नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा, ये हो जाएगा 500। सो 8300 में से 500 सब्ट्रैक्ट किया, 13-5 = 8 एंड ये हो जाएगा 7 है, 7800 यानी कि 7800, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 10 करना है यानी कि मुझे क्या देखना होगा, पहले नंबर लिख लेते हैं 8325-491। अब नियरेस्ट 10 यानी कि 10 यानी कि 1 डिजिट, ठीक है। 1 डिजिट में हम 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है। अब ये देखना कि ये 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 ही है, तो मैंने आपको बताया था 5 या 5 से ज़्यादा हो तो भी हम इस डिजिट को बढ़ा देते हैं, यानी कि ये 5 है तो भी हम इस डिजिट को बढ़ा देंगे। ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि 5 होगा, क्योंकि 5 मिडल नंबर है तो क्या करेंगे, 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम नेक्स्ट डिजिट ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8330, राइट। नेक्स्ट अगेन 1 डिजिट देखनी है, 5 से कम है तो यानी कि ये मेरी 9 ही रहेगा और ये बन जाएगा 490। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8330 490, 13-9 = 4 एंड 12-8 = 4 = 8, 7840, सो आंसर इज 7840। टू डी पार्ट, अब डी पार्ट में फिर से वही राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 के, नियरेस्ट 100 यानी कि 20 यानी कि 2 डिजिट्स देखनी है, 100 का हाफ 50 यानी कि अब मुझे ये देखना है ये 50 है या 50 से ज्यादा है, 50 या 50 से ज्यादा होगा तो ये डिजिट नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी और अगर ये 50 से कम होगा तो मेरी ये डिजिट यही रहेगी। तो यहाँ पर मेरा ये 50 से कम है तो यानी कि 489000 ये मेरा यही रहा और यहाँ पर 2 जीरोस आ गई, सिंपल। अगेन इसको राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट्स देखेंगे क्योंकि 100 में 2 जीरो होती हैं, 50 से ज़्यादा है या कम है, 50 से ज़्यादा है। अब ये 50 से ज़्यादा है यानी कि मेरी ये डिजिट अगली डिजिट हो जाएगी यानी कि 4 हो जाएगी, सो 4 8
4 और ये दोनों 0 बन जाएंगे। सिंपल। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 348,400, ओके, 13 माइनस 4 9 और 8 माइनस 8 इज 0, 7, 8 माइनस 4 इज 4, 440,900, ओके, 440,900। ये तो हुआ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10, ओके। मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ बेटा जी, आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था ना स्टेटमेंट हमने, वैसे ही आपको करना होगा। आप इसको एक बार नंबर लिख लेते हैं, 489348, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट तो सबको लिखनी आती ही है, और फिर फर्स्ट पार्ट में जैसे लिखा है वैसे ही करना है। अब देखो नियरेस्ट 10, अगेन 10 में 10 यानी कि 1 डिजिट देखनी है हमें, इनकी 1 डिजिट लिखनी है पहली बात। फिर उसके बाद 10 का हाफ 5, यानी कि ये 5 से ज़्यादा है या कम है। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो ये वाली डिजिट नेक्स्ट आ जाएगी, और अगर ये 5 से कम है तो ये डिजिट यही रहेगी। अब देखो इसमें हमारे पास ये डिजिट 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा यानी कि ये नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी, 4 का नेक्स्ट 5। आगे अब सेम नंबर लिख दीजिए, 3, 5 और ये 0 बन गया। माइनस, अब ये 5 है तो मैंने आपको कहा था 5 या 5 से ज़्यादा, तो 5 ही है तो यानी कि ये डिजिट नेक्स्ट डिजिट बन जाएगी। सो दिस विल बिकम 48370, ओके। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो 489350 48,370। सो 0, 8, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 4। सो 440,980, 440,980। सो ये हमारा राउंड ऑफ 10 करके नियरेस्ट 10 करने के बाद ये आंसर आता है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 2। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी नेक्स्ट तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की। जैसे कि अब मैं इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लूंगी, तो ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो भी नेक्स्ट अपलोड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।